प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ बहुत अच्छा सा एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हाँ गाइस, मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए ओनली 2 मिनट में कैसे आप आपकी फेस का और बॉडी का हेयर को रिमूव कर सकते हैं। हाँ गाइस, आपको पार्लर जाके इतना मेहनत और दर्द को टॉलरेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। या रेजर को फेस में या बॉडी में यूज करके इतना रिस्क नहीं लेना है। हाँ फ्रेंड्स, आप तो अभी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। देखने से पहले, मेरे चैनल पे आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो को एंड तक देखिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने शुगर वैक्सिंग बनाने के लिए जा रहा हूँ, जो कि बहुत इजी है। पूरा मार्केट टाइप का मैं बनाऊंगी वैक्सिंग, जिसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी हार्मफुल नहीं है। और मैंने यहाँ पे लिया है शुगर, हनी और लेमन को लिया है। फ्रेंड्स, आपको ये वैक्सिंग करने के बाद बहुत डिफरेंस मिलेगा। लाइक आपकी फेस से सनटैन रिमूव हो जाएगा, और सपोज़ आपकी फेस में हेयर नहीं है बट सनटैन है, तो मैं मेरे चैनल पे अपलोड किया था मेरे लास्ट वीडियो, जो है मोस्ट पावरफुल होम रेमेडीज फॉर रिमूव सनटैन। ऊपर से आई बटन को क्लिक करके ये वीडियो को आप देख सकते हैं, ट्रस्ट मी गाइस। और इसमें फेस फुल्ली बच्चा जैसा स्किन हो जाएगा और बहुत ग्रोइंग भी होगा, साथ ही साथ ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी निकल जाएगा। सो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं मैंने कैसे बनाऊंगी इसको। पहले मैंने एक बाउल में 5 टेबलस्पून शुगर को लिया है, देन उसमें से 4 टेबलस्पून हनी को लिया, देन एक बड़ा सा लेमन जूस को लिया। बस इसमें से थोड़ा सा पानी देके गैस में स्लो फ्लेम में होने के लिए, गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। बट आपको ये यूज करने से पहले कुछ टिप्स फॉलो करना पड़ेगा। टिप नंबर 1, वैक्स करने से पहले आपको पहले फेस को अच्छे से क्लीन कर देना है फेस वॉश में। देन टिप नंबर 2, फेस वॉश करने के बाद फेस के ऊपर पाउडर लगा देना चाहिए, बट आपको एक पाउडर का कवर को अच्छे से क्लीन करके उसको हाथ में लेना है, नहीं तो जो भी बैक्टीरिया है वो फेस के ऊपर जाएगा। टिप नंबर 3, आफ्टर वैक्सिंग आप आपके फेस के ऊपर कुछ भी सोप नहीं लगाएंगे, बस तुरंत आपको आइस क्यूब या एलोवेरा जेल यूज कर देना है। टिप नंबर 4, और एक बात आपको अच्छे से ध्यान देना है, वैक्स आप ऑलवेज नाइट पे ही करना चाहिए, क्योंकि दिन में धूप होता है और फेस का स्किन बहुत सेंसिटिव है, और हेयर हमारा फेस को प्रोटेक्ट करता है सनटैन और सनबर्न से। जब हम फेस का हेयर रिमूव कर देते हैं तो फेस में टैन आने का चांसेस बहुत होता है। सो अभी मैंने गैस को ऑफ कर लूँगी, यह अभी हो गया है। सो अभी हम इसको एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, देन उसको अप्लाई करेंगे। याद रखना, पहले आप आपके फेस को अच्छे से क्लीन करके, देन उसको ड्राई करके, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर लगाना, और आप आपकी एसी या फैन को ऑफ करके ही करना, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ठीक से काम नहीं करेगा। सो अभी हम अप्लाई करेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, इससे से ना आपका स्किन जो है बहुत ग्लोइंग हो जाएगा और पूरा टैनिंग फ्री भी हो जाएगा। सो आप भी इसको घर में आसानी में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आज का मेरा ये वीडियो आपका कुछ तो हेल्पफुल हुआ है।
क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रही है और आप पार्लर भी नहीं जा सकते हैं, सो आप इसको आसानी से घर में बना के यूज कर सकते हैं। तो एकदम फ्री में मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे और भी न्यू वीडियोस का अपडेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।